गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। मैम अभी तक 3 बच्चे ही ऐड हुए हैं। आगे क्या? यस मैम। नो मैम। होने दो, भी होंगे ऐड हो। मैम एक भी बच्चा नहीं हुआ ऐड। आवाज आ रही पीछे से, म्यूट रखो। यस मैम। आवाज भी आनी चाहिए मेरे को। बहुत डिस्टर्ब होते हैं सब। तो देखो बेटा, क्वेश्चन वर्ड मैंने क्या बताया था आपको कि वी यूज सम वर्ड टू आस्क क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन आस्क करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो, वो सम ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन विद द लेटर डब्ल्यू एच। वो वर्ड्स किस कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं? डब्ल्यू एच। कौन से लेटर से? डब्ल्यू एच लेटर से, ठीक है? आगे समझ में आया या नहीं? ठीक है, आया समझ में? आपको कौन कौन से? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, हु, हूज, विच, हाउ, ये सब वर्ड क्या है? कौन से सेंटेंस में काम आते हैं? जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज होता है, समझ गए? इन वर्ड्स को यूज होता है जब क्वेश्चन आस्क करना हो, क्वेश्चन आस्क, ठीक है, आस्क करना, क्वेश्चन पूछना हो। समझ में आ गया? कोई जवाब नहीं? यस मैम। ओके, यस मैम। चलो ठीक है। यस मैम, ये हमने पढ़ लिए, मैंने बता दिया आपको। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग, ठीक है? आंसर द फॉलोइंग। अब देखो बेटा, ये है कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आस्क किए गए हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। व्हाट इज योर नेम? फर्स्ट क्वेश्चन है ए, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तो ये क्वेश्चन हमने कौन सा पंचुएशन यूज किया? क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। अब तो पहचान सकते हो ना आप सब कि इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? क्वेश्चन आस्क।
जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर देखो इसका, व्हाट इज योर नेम? अब बताओ कैसे आंसर दोगे हर्षवर्धन? आंसर क्या होगा? यस मैम। नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज हर्षवर्धन सैन। ठीक है, तो माय नेम इज, इसका आंसर क्या आएगा? माय नेम इज, अब जैसे मेरा नाम, तो मैं मेरा ही नाम कर रही हूँ, सरिता यादव। आप सबको क्या करना है, मेरे नाम, मैंने मेरा नाम फिल किया है, आप क्या करोगे? आप सब क्या करोगे, किसका नाम फिल करोगे? अपना नाम, अपना नाम। सबको अपना नाम करना है। Where do you live? अब सेकंड क्वेश्चन है, Where do you live? I live in Jaipur. Live और कौन सा पंचवेशन लगेगा क्वेश्चन में? देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। I live in Jaipur. Gunjan, I live in Jaipur. I live in Jaipur. ठीक है, फुल स्टॉप। आंसर के आगे फुल स्टॉप लगाओगे और इसमें कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो कौन सा पंचुएशन यूज होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन? थर्ड क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बिजनेस, क्या बिजनेस करते हैं? ठीक है, व्हाट इज योर फादर? जिसके पापा जॉब करते हैं, जो जॉब है, कोई किसी की सर्विस है, वो लिखनी है आपको, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर, जो भी है आपके फादर, तो माय डॉक्टर, मैं लिख रही हूँ डॉक्टर, तो ठीक है, ठीक है। तो ये जो आपके पापा जो बिजनेस करते हैं, या फिर कोई सर्विस में, टीचर है तो टीचर लिखोगे, डॉक्टर तो डॉक्टर लिखोगे, जिस उसमें है इंजीनियर है तो इंजीनियर लिखोगे, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखोगे।
पेन फिल करोगे, ठीक है? और ठीक है, आ गया? यस सॉल्ट, यस लगाना है पे यस, ठीक है? Which is your favorite game? Which is cricket? Your favorite. आंसर आएगा कैसे दोगे? Which is your favorite game? My favorite game. My favorite. पूरा बोलो तो my favorite. पूरा दोगे ना आंसर? ऐसे my favorite game. अब जो भी है, अगर किसी का खो खो है तो खो खो लिख दो, किसी का हॉकी है तो हॉकी लिख दो. अब जैसे गिरीज का क्रिकेट है तो मैं क्रिकेट लिख रही हूँ, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. सेकंड क्वेश्चन, वन क्वेश्चन टू, विच द फॉलोइंग मेड टू बी सूटेबल आंसर. अब देखो हमें आंसर दे रखा है और हमें क्वेश्चन बनाने हैं. माई फेवरेट कलर इज ब्लू, ये आ रखा है. मैम हमारा भी ब्लू ही है. फेवरेट कलर मैम ब्लू. ब्लू मैम तो मैम रेड. नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रही, इसमें दे रखा है आपकी बुक में, बुक में दे रखा है ये माय फेवरेट कलर इज ब्लू. तो हमें अगर क्वेश्चन आज कैसे करोगे? ये आंसर है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है? आंसर आंसर है. देखो विच इज योर फेवरेट कलर, हम आंसर कैसे होगा इसका? तो क्वेश्चन कैसे आस्क करोगे? विच इज योर, विच इज योर फेवरेट, सो विच इज योर फेवरेट कलर. ठीक है, ये हमें आंसर दे रखा है हमने, यानी ये आंसर है. और क्वेश्चन आप कैसे करेंगे ये दिया गया है इसमें. तो हमने क्वेश्चन बनाया विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? तो हमने आंसर आएगा ये माय फेवरेट कलर इज ब्लू, ठीक है? बुक में है ना सबके, जिसके पास बुक है फिल करो, बुक फिल कर लो. फिर सेकंड है बी, आंसर दे रहे हैं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट.
क्वेश्चन कैसे बनेगा? विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? प्ले और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? विच गेम डू यू लाइक टू प्ले? आपको कौन सा गेम पसंद है, खेलना पसंद है? ठीक है, आई गो टू स्कूल बाई बस, ठीक है? आई गो टू स्कूल बाई बस, यानी मैं स्कूल बस के द्वारा जाता हूँ, बस से स्कूल जाता हूँ। तो बेटा देखो, मैंने पहले पीडीएफ भेजी थी ना तुम लोगों को, उसमें नहीं करना, मैंने दोबारा से फोटो भेजी है, उसमें से करना है। उसमें क्या है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, जो पीडीएफ वाला है वो नहीं करना, ये करना है। इसका क्वेश्चन बनेगा हाउ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, हाउ हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है? उसमें जो मैंने पहले पीडीएफ भेजी थी उसमें रॉन्ग है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बाद में दिया मैंने ध्यान, तो फिर मैंने दोबारा भेजी है आपके पास फोटो इसकी, सही कर। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो? तो आंसर हो गया आई गो टू स्कूल बाई बस। समझ में आ गया हर्षवर्धन? इसके बाद आई प्ले द इवनिंग, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पहले पीडीएफ भेजी थी इंग्लिश की, उसमें नहीं करना, उसको तो डिलीट कर देना, और जो मैंने अभी दोबारा से फोटो सेंड की है इंग्लिश की, उसको क्या करना है आपको, उसमें से करना है। समझ गए? यस मैम। इसका ध्यान दे लेना, यही था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ध्यान नहीं दिया मैंने। आई गो टू स्कूल बाई बस, तो इसमें आ जाएगा हाउ डू यू गो टू स्कूल, क्या आएगा ये लिख लो आप, ये वाला राइट कर लो रफ नोटबुक में, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। वैसे मैंने राइट करके भेज दिया है, आई गो टू स्कूल बाई बस, मैं स्कूल बस से जाता हूँ। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल? स्कूल लिख लो, सभी उतार लो एक बार, ये वाला yes, ma'am. ये जो है इसको उतार लो, रॉन्ग मत करना अपनी नोटबुक में, और जो पहले भेजी उसको डिलीट कर देना, और ये है ना इसमें ears, I am ears, S लगाना इसके भी, हो गया उतार लिया सबने? करो जल्दी उतारो। अरे गुंजन आप तो बुक भी कर लो बेटा, बुक भी सही कर लो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हो? फिर है बुक्स ले लो बेटा, बुक्स आई हुई रखी है आप लोगों की, पढ़ना तो है, स्कूल तो खुलेगी अब खरीदोगे, इससे अच्छा अभी खरीदो ना, ताकि काम में तो आए। अब तुम लोग फिर वो उस टाइम खरीदोगे, बताओ कितने से दिन के लिए फिर खरीदना तो पड़ेगा, तो अभी खरीदो ताकि पूरे साल काम में आए। अब कितनी परेशानी होती है आप लोगों को। अब आगे करें, मेरे पापा से मैं क्या हुआ मैम, हमारे पापा से बोलेंगे बुक, मैं आज बुक लाओ। हाँ पेरेंट्स को बोलो बुक दिलाओ, बिना बुक स्टडी नहीं होती, हो सकती है क्या बिना बुक के? मैं
ठीक है। नेक्स्ट है आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ। आई प्ले इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इवनिंग ठीक है, मॉर्निंग नहीं इवनिंग। आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ। क्यों सही आंसर है? क्वेश्चन आस्क करना हो कैसे करोगे, कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन? When do you play? तुम कब खेलते हो? When do you play? और क्वेश्चन मार्क, When do you play? आप कब खेलते हो? बोलो। क्यों? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक। वैसे आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा हर्षवर्धन, आज मैथ्स में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। मैं मेरी मम्मी समझा देगी। ठीक है फिर, ठीक है। When do you play? ठीक है फिर है मिस बेरी आवर क्लास टीचर, मिसेज बेरी, क्लास टीचर से बता रहे हैं, मिसेस बेरी इज आवर क्लास टीचर, मिसेस बेरी हमारी क्लास टीचर है। वो क्वेश्चन आप कैसे करोगे, इसका क्वेश्चन क्या बनना चाहिए? हु इज योर क्लास टीचर? हु इज योर क्लास टीचर? सरिता मैम क्लास टीचर। ये क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें आंसर दे रखा है योर क्लास टीचर, तो क्वेश्चन कैसे आस्क करेंगे? Who is your class teacher? ओके, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, ठीक है? कर लिया सबने? सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो ठीक है, ये कर लेना, और जो मैंने बताया जो पहले वाली पीडीएफ भेजी थी उसको डिलीट कर देना, और दोबारा से मैंने फोटो लेके भेजी है उसमें करना है, ठीक है? सारी पीडीएफ डिलीट नहीं करनी, सिर्फ इंग्लिश की। थैंक यू। वेलकम मैम। बच्चे आर्टी कैसे हैं? कौन कौन? अच्छा।